हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे वन शॉट आपका विस्तास का पूर्ण रूप से दे दिए थे। आज फ्लेमिंगो का देंगे, लेकिन फ्लेमिंगो का दो पार्ट में देंगे, पोएट्री का अलग एंड प्रोज का अलग, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन जाएगा और पोएट्री अलग पढ़ना चाहिए, प्रोज अलग पढ़ना चाहिए। शाम तक उसका भी भेज देंगे, अभी पोएट्री का वीडियो जा रहा है और शाम में प्रोज का भी चला जाएगा। वन शॉट में सारा का सारा हम लोग रिविजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन, उसके बाद हम लोग प्रोज को, और टाइम मिलेगा तो ग्रामर सेक्शन को भी एक बार रिकॉल करके डाल देंगे, ठीक है। चलिए, द पोएट इज समरी देखेंगे। द पोएट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन बाई कार, ठीक है। इस टाइप के समरी देखने से क्या फायदा होता है कि आपको नया नया वर्ड तो आ ही गया, चैप्टर समरी तो रिकॉल हो ही गया, और एक नंबर के सवाल भी बहुत सारे बन जाते हैं। अब एक हिंदी में समरी सुनिएगा तो चैप्टर तो रिकॉल हुआ लेकिन आपका वर्ड नहीं रह पाएगा, बहुत सारे एक नंबर का सवाल भी छूटेगा। तो इस टाइप का समरी पढ़ के जाइए ताकि सब वर्ड भी रिकॉल हो जाएगा और सब कुछ भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सारा समरी इस टाइप से ही दे देंगे सबका, ठीक है। तो पोएट इज ड्राइविंग फ्रॉम द पेरेंट्स होम टू कोचिंग, ठीक है। बाई अ कार, बाई हर मदर, हर साइड बगल में माँ के बैठी हुई थी, एंड स्लीपिंग ओपन माउथ वेरी पेल, माँ के बारे में बोल रहा है कि माँ जो नींद में थी, माउथ उनका खुला हुआ था और वेरी पेल यानी कि पीला फेस उनका पड़ गया था, कलरलेस हो गया था, फ्रेल लाइक ए डेड बॉडी के जैसे एकदम नाजुक हो गए थे। फ्रेल मैंने क्या होता है, नाजुक हो जाना, तो कमजोर हो गए थे, कैसा, डेड बॉडी के जैसा। इंडिकेटिंग दैट हर इंड वाज नियर, वैसा लग रहा था कि उनका इंड क्या है, नियर है, एकदम नज़दीक आ गया था, तो ऐसा ही लग रहा था, ठीक। एंड द पोएट लुक्स एट हर एंड फील इंटेंस पेन एंड एगोनी टू रियलाइज दैट सून डेथ विल बी कास्ट हर मदर फ्रॉम हर। अब पोएट्स को ऐसा लगा, पोएट्स लुक एट हर, उन पर देखती है एंड फील इंटेंस पेन, गहरा दर्द महसूस करती है, एंड एगोनी चिंताएँ, टू रियलाइज दैट सून क्या, डेथ विल कास्ट हर मदर, जल्द ही जो डेथ है उनकी माँ को उनसे क्या करेगा, छीन लेगा, हटा लेगा, कास्ट करना मैंने क्या होता है, हटा देता है, ठीक। ट्राई टू डाइवर्ट हर माइंड, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लुक आउटसाइड द यंग ट्रीज, बाहर देखती हैं यंग ट्री में, एंड हैप्पी चिल्ड्रन को देखती हैं ब्रस्टिंग आउट देयर होम से बाहर निकलते हुए बच्चों को देखती है, एंड इन ए प्लेफुल मूड, बच्चे क्या खेलते हुए मूड में है, यानी कि एक कंट्रास्टिंग इमेज दिखाया गया कि माँ क्या है, माँ एकदम शांत बैठी है, बच्चे क्या है, जॉय से भरे हुए, एनर्जेटिक से, वही कह रहा है, कंट्रास्टिंग यहाँ पर इमेज दिखाया गया, ठीक। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, वही कोचिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद लुक एट अगेन, दोबारा से माँ को देखती है, एंड हर मदर फेस पेल एंड कोल्ड, और माँ का फेस कैसा था, पेल था एंड कैसा था, आपका ठंडा हो गया था, तो वहाँ पर देखी दोबारा से। चलिए, फेमिलियर एक माई मदर चाइल्डहुड, ये भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में किसे, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि चाइल्डहुड जो फेमिलियर एक के था, दुख दर्द था क्या था, चाइल्डहुड फियर था, ठीक। तो वर्ड भी, समरी भी रिकॉल, आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता जा रहा है, ठीक है। चलिए, द पोएट हैज़ एलवेज वेरी हैड ए इंटीमेट एंड क्लोज रिलेशनशिप विथ हर मदर, एंड सी हैज़ एलवेज फेयर द फियर ऑफ बींग सेपरेटेड फ्रॉम हर द मदर, एंड इट इज़ ए फेमिलियर, वही इनका जाना पहचाना था क्या, माँ से अलग होना, वही इनका बचपन का डर भी था, एंड द पोएट हैड एल इमिटिएट एंड क्लोज रिलेशनशिप, मतलब कि क्लोज रिलेशनशिप और इंटीमेट मतलब कि अटूट, ठीक है, ऐसा इनका रिलेशनशिप था माँ के साथ, एंड सी हैज़ एलवेज फेल्ट फियर एंड बिंग, उनका हमेशा डर लगा रहा था कि माँ से अलग ना हो जाए, जो कि बचपन से ही डर सताया हुआ था, ठीक है ना। द पोएट स्टे रिज्यूर हर मदर, माँ को सुनिश्चित संतावना दिलाती है कि दैट विल बी मीट अगेन, कि माँ मैं जल्द तुमसे मिलूंगा, सी यू सून अम्मा। चलिए, अब सेकंड पोएम को देख लेते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं लिमेंटे स्कूल क्लासरूम इन असलम, इसके बारे में पोएम तो सब पढ़ लिए लेकिन फिर भी रिकॉल देखिए क्या बोल रहा है। इन दिस पोएम द पोएट फोकसेस ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी, इसमें क्या कहें, पोएम जो किस पे फोकस करते हैं, आपको सोशल इनजस्टिस, समाज में अन्याय उसके बारे में, एंड इनइक्वलिटी यानी कि हम लोगों में जो भेदभाव है उसके बारे में भी, जो इक्वलिटी नहीं है। ही द प्रेजेंट द पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक एंड मिजरेबल पिक्चर ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम, एक सलम में झुकी झोपड़ी जो होता है, तो उसमें जो एलिमेंट्री स्कूल का कंडीशन दिखाए हैं पिक्चर के थ्रू, पैथेटिक दयनीय है और मिजरेबल है, काफ़ी दुख दर्द वाला पिक्चर को लगाए हैं ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम में, ठीक है। एंड दिस चिल्ड्रंस हैव ए पेल एंड क्या है, लाइफलेस फेसेस, अब स्कूल का बात हो रहा है तो बच्चों का बात हो रहा होगा, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, हैव ए पेल एंड लाइफलेस फेसेस, उनका जो फेस है पेल, पीला पड़ गया है, एंड लाइफलेस है, उसमें जीव मतलब कि जान नहीं है, ठीक है। एंड दे आर लुक लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स के जैसा, वीड्स में क्या होता है, खर पतवार, रूटलेस जिसमें कि जड़ ही नहीं है, तो ऐसा उन लोग दिखते हैं, एंड रूटलेस वीड्स को एनर्जेटिक से भी कंपेयर किया गया था, एंड विच आर द अनकेयर एंड क्या है, अनवांटेड विद देयर डिसऑर्डरली हेयर टोर्न अराउंड देयर फेसेस, और उनका क्या, विच आर अनकेयर, बिना परवाह किए हैं, अनवांटेड विथ देयर विथ
देयर डिसऑर्डरली हेयर, और ऐसे हैं जैसे कि उनका कोई ऑर्डर क्या हेयर का जो बाल है, बाल में कोई ऑर्डर नहीं है, तो उसी प्रकार इन लोग का लाइफ में भी कोई ऑर्डर नहीं है। टोर्न अराउंड फेसेस, जो बाल उनका फेस पर ऐसे बिखरा हुआ है, उसी प्रकार इन लोग का जीवन भी बिखरा हुआ है, तो उसी से कंपेयर करके बता रहा है। ठीक, दे आर डिप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड विद द बर्डन ऑफ लाइफ एंड कीप देयर हेड डाउन। वे लोग क्या हैं, डिप्रेस्ड हैं, मतलब क्या होते हैं डिप्रेशन में सताए हुए हैं, एंड ऑप्रेस्ड है, बासी मिलो दोनों का है, विद द बर्डन ऑफ लाइफ से उन लोग सब डिप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड है, ठीक है ना, यानी शोषित है, एंड कीप देयर हिट्स डाउन, वो अपने सर को नीचे करके रखे हुए हैं, ठीक है। दे हैव अ स्टंटेड ग्रोथ, उन लोग का जो ग्रोथ है वो क्या है, रुका हुआ है, स्टंटेड में रुका हुआ है, एंड दे इनहेरिट द डिजीज ऑफ द देयर फादर, और फादर के डिजीज को भी इनहेरिट किए हुए हैं, यानी कि डिजीज का जो पिताजी के था तो वही अपने पास भी रखे हुए हैं, तो उसी को बोलते हैं इनहेरिट किए हैं डिजीज को। एंड सम जो गिरनाल डिजीज था, याद होगा, एंड सम ऑफ देम डू हैव ड्रीम्स, अब उन लोग कुछ लोगों के पास तो सपना भी है। ए स्वीट यंग बॉय सीटिंग इन द बैक ऑफ द डीम क्लासरूम, जो बैठा हुआ एक बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, कहाँ पे, बैक में पीछे बैठा हुआ डीम क्लासरूम में, एंड ही इज ड्रीमिंग ऑफ ए स्क्विरल्स गेम इन द ट्रीज एंड प्रोबेबली अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स, और वो सपना देख रहा है, किसका सपना देख रहा है, स्क्विरल्स गेम इन द ट्रीज, बाहर में वो देखते रहता है मतलब ट्रीज कहने का मतलब कि बाहर पेड़ पर, एंड प्रोबेबली अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स, बाहर में कुछ और थिंग्स को देख रहा है, तो उसी पर अपने माइंड में सपना ही बैठा हुआ कि मैं भी क्या फ्री हूँगा, जैसे कि गिलहरी फ्री है तो मैं भी यहाँ से निकल कर आगे चलकर फ्री हो जाऊँगा, तो वही यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। एंड द वाल्स आर डर्टी एंड क्रीम, जो वाल्स आर डर्टी है एंड क्रीमी है, ठीक है, क्रीमी मैंने कैसा, यानी कि पीला 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 पड़ गया है। एंड ऑन देम आर द यंग एंड डोनेशंस गिवन बाय द रिच एंड ऑल्सो शेक्सपियर पोर्ट्रेट, और दीवार में क्या लगा हुआ है, एक हंग टंगा डोनेशंस, जो डोनेशंस मिला हो गिफ्ट में जो मिला वो है, और शेक्सपियर का भी कुछ चित्र वहाँ पर लगाया हुआ है दीवार में। एट सिबलाइज डोम फाउंड इन द सिटी, शहर में एक सिबलाइज डोम भी पाया गया है, जो कि एंटायरली वैली भी है, घाटी भी है, विथ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ऑल्सो अटप, और वहाँ पर भी और भी ब्यूटीफुल फ्लावर वगैरह वहाँ पर रखे हुए टंगे हुए हैं रूम के अंदर ही, सब सिटी के अंदर, एंड ये सब डोनेशन है, ठीक है ना, सिविलाइज डोम है, टेरली वैली सब चित्र लगाया हुआ है। एंड द मैप ऑन द वाल, वाल पे मैप है, सो द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड आउटसाइड दिखा रहा है कि बाहर में कितना सुंदर क्या है वर्ल्ड है, एंड बट फॉर दिस चिल्ड्रन ऑफ द स्लम इज मीनिंगलेस, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं रखता है कि बाहर में क्या है, क्योंकि इन लोग तो हमेशा अंदर रहता है, ठीक है। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन दिस स्कूल do not have the means to go and explore the world, इन लोग जो अंदर रह रहे हैं स्टडी कर रहे हैं स्कूल में, इन लोग के पास do not have the means, कोई भी मतलब कि इन लोग पास इसका संसाधन नहीं है टू गो, बाहर जा सके एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके, देख सके, समझ सके, ठीक है, मीन्स मैंने क्या संसाधन, फॉर देम वाट द सी थ्रू देयर क्लासरूम विंडोज, क्लासरूम विंडोज में क्या देख रहे हैं, एंड द नैरो स्ट्रीट एंड द लीड स्काई इन द वर्ल्ड, बस यही देख रहे हैं, बस नैरो स्ट्रीट पतली पतली गलियां को देख रहे हैं, और लीड स्काई इन द वर्ल्ड में कैसा लीड स्काई है, यानी कि लीड स्काई कहने का मतलब धुंधला स्काई दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड शेक्सपियर इज थोड़ा सा बड़ा है, शेक्सपियर इज विक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट की बनता है, शेक्सपियर कैसा है, विक्ट है, यानी कि पापी है, फॉर देम उन लोगों के लिए, हैज़ रिटन बाय ओनली अबाउट द रिच, हैज़ द रिटन ओनली अबाउट द रिच, जो कि केवल रिच के बारे में लिखते हैं ना शेक्सपियर का, तो सब रॉयल फैमिली पे लिखते थे स्टोरी वगैरह पोएम वगैरह, ठीक है। ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड टेम्पटिंग देम अस्टील, जो कि ऐसा लिखते हैं रिच के बारे में लिखते हैं, सुंदर वर्ल्ड के बारे में लिखते हैं, एंड टेम्पटिंग देम टू अस्टील, जो उन लोग को लुभा रहा है, किसके लिए, चोरी करने के लिए लुभाता है, इसीलिए वह क्या है, विक्ट है, पापी है, बच्चों के लिए शेक्सपियर, ठीक। दिस मैप द मैप इज ऑफ नो इंटरेस्ट फॉर देम बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड दे लिव इन द क्रैम्पेड एंड डार्क लेन, जो गहरी गलियां हैं, ठीक है, क्रैम्पेड में टुकड़ा हुआ, मतलब क्या जिसमें रह रहे हैं, तो इन लोग के लिए कोई मतलब नहीं है कि इसे क्या मैप पे दिखा रहा है, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी वर्ल्ड, जो मैप है इन लोग के बारे में कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इन लोग का तो कंडीशन काफ़ी बुरा है। द लाइव्स आर स्टार्ट इन द डार्कनेस एंड एंड्स इन द अटर डार्कनेस, लाइफ स्टार्ट भी होता है डार्कनेस में और एंड भी होता है गहरी डार्कनेस में, इन लोग का जीवन ऐसा ही है। एंड दे आर अंडर नूरिश्ड हैं, ठीक है ना, कुपोषित हैं, एंड देयर पॉवर्टी हैज डिस्टॉर्टेड देयर विजन, हैज स्पेंड देयर होल टाइम इन द फोगी स्लम, और उन लोग का जो पॉवर्टी है डिस्टॉर्टेड देयर विजन, जो भी उन लोग सपना देखना चाहता है सबको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, एज दे स्पेंड देयर होल टाइम इन ए फॉगी स्लम, पूरा का पूरा इन लोग का टाइम कहाँ पर बिताना पड़ रहा है, सिर्फ फॉगी स्लम में, धुंधला जो स्लम है उसी के बीच में, तो सब इन लोग का जो पॉवर्टी है विजन को ख़राब कर दिया, स्पेंड देयर होल टाइम इन, तो इसीलिए इन लोगों का सब खत्म हो गया। चलिए, द पोएट फील्स दैट द मैप विच सो ब्यूटीफुल एंड एक्सोटिक प्लेस, ठीक ना,
एग्जोटिक इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जोटिक प्लेसेस शुड बी रिप्लेस विद द स्लम हैज इट नोट द वर्ल्ड दे लिव। देखिए पोएट क्या कहा, पोएट ऐसा फील करते हैं द मैप इज सो ब्यूटीफुल दिखा रहा है, एग्जोटिक प्लेसेस को दिखा रहा है, अजीब विचित्र प्लेस को दिखा रहा है, शुड बी रिप्लेस जो कि रिप्लेस्ड होना चाहिए विद द स्लम हैज इट इज नोट द वर्ल्ड दे लिव, ठीक है ना, विद स्लम के साथ रिप्लेस करो उन लोग को क्योंकि स्लम का चित्र लगाओ क्योंकि इन लोग का स्लम का चित्र मतलब स्लम का दुनिया है ऐसा दुनिया नहीं जिससे कि इन लोग को लुभाया जा रहा है, ठीक ना, विथ स्लम हैज इट इज नोट द वर्ल्ड लिव, बात को समझ गया। अनलेस द गवर्नर एंड इंस्पेक्टर विजिटर प्ले वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट ए चांस, जब तक कि गवर्नर एंड इंस्पेक्टर एंड विजिटर प्ले वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट द चांस जब तक नहीं लेंगे देयर लाइफ विल रिमेंस डार्क, तो इन लोग का लाइफ डार्क ही रहेगा जब तक इन लोग चांस नहीं लेगा सुधारने का। द स्लम चिल्ड्रन विल बी एबल टू पीप थ्रू देयर विंडोज ओनली वेन द गैप बिटवीन द टू विंडो इज ब्रिज्ड, जो स्लम चिल्ड्रन विल बी एबल टू पीप थ्रू द विंडोज, विंडो को जरिए देखने के योग्य होंगे कब होंगे, ओनली वेन द गैप बिटवीन द टू वर्ल्ड इज ब्रिज, दोनों वर्ल्ड के बीच में जो ब्रिज है जो ब्रिज बना रहेगा तभी इन लोग बाहर देख पाएगा, बाहर नहीं देख पाएगा क्योंकि अभी तो यहाँ पर नहीं, इसका क्या है, हाँ वही है, दोनों के दो वर्ल्ड के बीच में ब्रिज रहेगा तो ना बाहर देख पाएंगे, ब्रिज नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे, तो ब्रिज को तोड़ दिया जाए तो इन लोग भी बाहर नहीं देख पाएगा, ठीक है ना, अपने अंदर ही रह पाएगा, बाहर में देखता है तो लुभा जाता सब, इस टाइप से बोला। दे शुड बी ब्रेक द बैरियर्स टिल द केम आउट ऑफ द डर्टी सराउंडिंग एंड द वर्ल्ड शुड बी एक्सटेंडेड इन द ग्रीन फील्ड, ठीक है, एंड इनको क्या, दे शुड बी ब्रेक द बैरियर्स, बैरियर्स को उनको तोड़ना चाहिए, टिल बैरियर्स, यही था ऑब्जेक्टिव में गलत हो गया था ना, बैरियर्स होगा, ठीक है, वहाँ पे कुछ और बाथर लिखा हुआ था तो बैरियर्स है, चलिए भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, एंड टिल द केम आउट ऑफ द डर्टी सराउंडिंग, जब तक बाहर नहीं निकल जाता है तब तक सबको तोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, एंड देयर वर्ल्ड शुड बी एक्सटेंड इन टू ग्रीन फील्ड, उन लोग का जो वर्ल्ड हो कैसा हो, बाहर जाए एक्सटेंड फैल जाए इन टू ग्रीन फील्ड में जाए, गोल्डन स्टैंड में जाए, एंड क्या ब्राइट वर्ल्ड में इनका दुनिया चला जाए, तो ऐसा होना चाहिए, एंड दे शुड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर आउटलुक भी क्या ब्रॉडनेड, उन लोग को दे शुड बी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि बोलने का उन लोग का फ्रीडम हो एंड देयर आउटलुक भी ब्रॉडनेड, उन लोग का जो फ्यूचर हो आउटलुक हो फ्यूचर क्या हो ब्रॉडन हो काफ़ी चौड़ा हो यानी कि डीप में हो, ठीक है, एंड फॉर ओनली द एजुकेशन एंड कैन लर्न पीपुल कैन एजुकेटेड एंड लर्न पीपुल कैन क्रिएट हिस्ट्री हुज लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रेंथ एंड पावर, ओनली द एजुकेटेड एंड लर्न पीपुल, वही जो पढ़े लिखे हैं जो सीखे हैं कुछ वही क्या कर सकते हैं क्रिएट हिस्ट्री करते हैं, क्रिएट करते हैं हुज लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रेंथ एंड पावर, जिनका लैंग्वेज स्ट्रेंथ एंड पावर होता है। तो थोड़ा सा बड़ा दे दिया था, पूरा डीप में इसका समरी दे दिया है, तो बाकी सबको बता ही दिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते आगे की ओर, चलिए थिंग ऑफ ब्यूटी छोटा सा इसको भी देख लेते हैं, देखिए दिस पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी किन के द्वारा लिखा गया है, जॉन अपडाइक, ठीक है, जॉन कीट्स क्योंकि याद है कीट्स में बच्चा सुंदरता जर्मन क्षेत्र, तो जॉन कीट्स द्वारा नाम भी याद रखिए। दिस पोएम ट्राई टू परसीव द वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज, ये जो पोएम है कोशिश करता है वर्ल्ड को देखने के लिए, किसके लिए परसीव देखना, वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज के जरिए पूरा वर्ल्ड को देखने का कोशिश करता है। द बिलीव दैट देयर आर द सर्टेन थिंग्स विच आर ब्यूटीफुल, इसका मानना है कि कुछ कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं, ओर्थ बी ट्रेजरस, जो कि ओर्थ बी ट्रेजरस यानी कि कीमत मतलब कि खजाना के जैसा इन लोग का कीमत होता है, कुछ ऐसा होता है जो खजाना के जैसा इन लोग का कीमत होता है, ठीक है, ओर्थ टू बी ट्रेजरस यानी कीमत खजाना के जैसा होना, ठीक है, एंड ही पॉइंट्स आउट द क्या है इनट्रांजिएंट नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, इनट्रांजिएंट यानी कि अस्थाई यानी कि अस्थिर बताता है नेचर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स को, ठीक है ना, दिस थिंग्स लीव ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन आवर माइंड, ये जो थिंग्स होते हैं वे हमारे माइंड पे क्या लास्टिंग इंप्रेशन देते हैं जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं होता है। द प्लेजर गोट बाय देम इज नॉट मोमेंट्री, और जो प्लेजर मिलता है वो एक क्षण के लिए नहीं होता है, हमेशा लास्ट प्लेजर होता है, ठीक है ना, एक क्षण के लिए नहीं, मोमेंट्री के लिए नहीं, दे आर वेरी वैल्यूएबल एज द प्रोवाइड पीस एंड ह्यूमन माइंड, काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं जैसे कि हम लोग को पीस प्रोवाइड करते हैं, एंड लाइफ इज फुल ऑफ क्या है ट्रेबुलेंस, लाइफ क्या बाधाओं से पूरा भरा हुआ है, एंड लॉस ऑफ फेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द रिजल्ट ऑफ आवर ऑन मेकिंग, और जो हम लोग लॉस ऑफ फेथ जो विश्वास नहीं हो पाता किसी में, डिसअपॉइंटमेंट हतोत्साह हो जाते हैं, किसका परिणाम है मेकिंग ऑन, अपने जो काम कर रहे हैं उसी का परिणाम है, कोई बाहर से हम लोग को दुख दर्द नहीं देता है। ब्यूटीफुल थिंग्स आर द मेक लाइफ ओर्थ विल हैज़ द लिफ्ट द वेल ऑफ ग्लूम एंड फाइंडिंग द वे फॉर ऑप्टिमिस्ट एंड होप, देखिए क्या बोला, ब्यूटीफुल थिंग्स मेक लाइफ क्या है ओर्थ विल यानी कि ओर्थ विल करने का मतलब यानी कि समझिए कि कीमती बनाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइफ बनाता है ब्यूटीफुल थिंग्स, एज द लिफ्ट क्या वेल ऑफ ग्लूम, जो निराशा है निराशा को पर्दा को हटा देता है, वेल ऑफ ग्लूम को लिफ्ट करता है, वेल मैंने क्या पर्दा को हटाता है, एंड फाइंडिंग द वे फॉर ऑप्टिमिस्ट एंड होप, हम लोग को रास्ता दिलाता है किसके लिए,
आशा आशा एंड किरण का रास्ता दिलाता कौन ब्यूटीफुल थिंग्स। द पोएट मीन्स ए फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स। कुछ कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताएं, जैसे कि दिज इंक्लूड द सन मून ट्रीज एंड इवन द थिंग्स लाइक शिप एंड फोल्डिस। ये सब क्लियर स्प्रिल्स मस्क रोजेस ग्रोविंग इन द वर्ल्ड आर द थिंग्स दैट गिव्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू द ह्यूमन हार्ट। ये सब हम लोग को खुशियाँ देता है। ब्यूटी ऑफ द नेचर हैज एन इट्स क्लियर ऑफ लाइफ एंड इट इज़ ए लाइक ए प्रेसियस गिफ्ट फॉर हेवन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्यूटी ऑफ नेचर हैवन इट्स क्लियर, मतलब कि हमेशा चलने वाला ऑफ द लाइफ देता है, खुशी देता है। इट इज़ लाइक ए प्रेसियस गिफ्ट फॉर हेवन। हेवन से हम लोग का प्रेसियस गिफ्ट के रूप में मिला हुआ कीमती गिफ्ट है कौन ब्यूटीफुल थिंग्स। एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे अच्छा इसको बता रहा है, क्या बोल रहा है एक्जिलियर मतलब अमृत, अमृत के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यही था छोटा सा। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पोएम को। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कीपिंग क्वाइट को। ये पोएम नंबर 3 या 4 आगे पीछे नंबरिंग हो, तो 6 पोएम है सबको देख लेंगे। चलिए गिस्ट ऑफ द पोएम, पोएम का एक झलक देखते हैं। बाय पैब्लो नेरुदा, याद हो गया, यहाँ से नाम भी हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए द पोएट टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ साइलेंस एंड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द क्विटनेस एंड कैलमनेस, यानी कि शांत रहना इसका क्या मतलब कि इंपॉर्टेंस, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका फीलिंग को क्रिएट करने की बात करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को एमोंग द ह्यूमन बींग्स, कैसे हम लोग का परस्पर क्या हो, समझ हो, उसके बारे में। एंड द पोएट टॉक्स टेक्स अस्क अस पोएट अस्क अस टू कीप अ स्टिल एंड काउंट अप टू 12। हम लोग को बोलते हैं क्या करें, शांत रहे और 12 तक गिनने के लिए बोलते हैं। एंड एक चीज़ और है, ही ऑल्सो अस्क, ठीक है ना, अस टू सीट स्टिल, शांत बैठने के लिए बोलते हैं। एंड फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, वी शुड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा हम लोग नहीं बोलने के बाद ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या नहीं बोलते हैं एनी लैंग्वेज। एंड वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हमारे आर्म्स बाहू है और आर्म्स मैंने हथियार दोनों को बात बोल रहा है कि कुछ को हमको मूव नहीं करना चाहिए। एंड इट विल बी ए मोमेंट ऑफ कंप्लीट साइलेंस एंड विदाउट रस, बिना शोरगुल के, बिना कोई चिंताएं के, एकदम कंप्लीट साइलेंस होगा, ठीक होगा, ठीक है ना। एंड दिस विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तब ये एक्सोटिक मोमेंट होगा जब नो आर्म मूव करेंगे और कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तब। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए इसके बाद देन ए सडन स्ट्रेंजेस, ठीक है ना, एंड प्रिवेल विच विल बी इंजॉय, कहेगा देन ए सडन स्ट्रेंजेस, अचानक कोई अनजान अजनबी व्यक्ति आएगा, अनजान सिचुएशन होगा। चलिए क्या बोल रहा था, देन ए सडन स्ट्रेंथ विल बी प्रिवेल विच विल इल ऑल इंजॉय, कह रहा है जो अचानक जो अजनबी होगा, अनजान जो प्लेस बनेगा, विल प्रिवेल जो दिखेगा, विच विल ऑल इंजॉय, जो हम लोग इंजॉय कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। एंड इट विल ब्लिस, जो हम लोग के लिए खुशी होगा। एंड द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स, वो हार्म नहीं करेगा वेल को, फिशरमैन ऑन कोल्ड सी, देखिए यहाँ ट्रांसफर इपिथेटिव पॉजिटिव डिवाइस था, ठीक है, हार्म नहीं करेगा। एंड इवन द मैन गैदरिंग साल्ट वुड और स्टोव वर्किंग, वो भी अगर कीपिंग क्वाइट करता है, यानी कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करता है, वो भी क्या करेगा, रोक देगा काम करने को, लुकिंग हर्ट हैंड को देखेगा, रिफ्लेक्ट द पेन एंड हार्म इन द क्या अस्टेंशियस एंड टस्क हेल्थ काउज हिम, और वो क्या करेगा, पेन रिफ्लेक्ट एट द पेन एंड हार्म उसको देखेगा, हिज अस्टेंशियस अपने मजबूती को देखेगा एंड टास्क हैज काउज हिम, जो काम कर रहा है तो काम करना छोड़ देगा, कौन छोड़ देगा, किसके बारे में बोल रहा है, किसे, मैन ऑफ गैदरिंग साल्ट, जो साल्ट को इकट्ठा कर रहा है उसके बारे में। ऑल द किड्स काइंड ऑफ वार्स मस्ट बी स्टॉप्ड एट वंस, सबको क्या रोक दिया जाएगा एक बार सभी के लिए। एंड द ग्रीन वार अगेंस्ट द एनवायरमेंट एंड वार ऑफ द पॉइजनस गैसेस फियर्स आर मस्ट बी स्टॉप्ड एट वंस, सबको एक संत के लिए रोक देना होगा, तभी हम लोग को क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन हो पाएगा। ठीक है, पीपल हु आर ऑल द टाइम प्रिपेयरिंग फॉर द वार्स लिविंग नो सर्वाइवल, जो हमेशा वार की तैयारी करते हैं तो उस वार के लिए कोई सर्वाइवल नहीं बचेगा। ठीक है ना, एंड बिहाइंड आउट टू फाइंड टाइम टू वियर क्लोथ एंड वॉक अराउंड विथ दियर ब्रदर्स एंड स्ट्रेंथन एंड मैसेज ऑफ द पीस एंड ब्रदरहुड, तो ये सब जो हम लोग क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो ये सब का मैसेज हमेशा फैलेगा, तो ये सब काम करना होगा तभी। ठीक है, तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो ये सब वार वगैरह को भी रोकेंगे। एट द सेम टाइम द पोएट कॉजन्स डू नॉट कन्फ्यूज स्टिलनेस एंड टोटल इनएक्टिविटी, एक और बात को सचेत करते हैं, हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है टोटल इनएक्टिविटी और स्टिलनेस, यानी कि शांत होकर, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यानी कि डेथ कर जाना है, ऐसा नहीं करना है। लाइफ इज एन आउट गोइंग, लाइफ हमेशा बढ़ते वाला चीज़ है, बढ़ने वाला है, प्रोसेस है, एंड शुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ डेथ, डेथ से कोई समझौता नहीं। ठीक है, इट मतलब कि काम नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम करना, इट इज़ टू लिव विथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, एंड ही डज नॉट वांट अस टू रूमिनेट ओवर डेथ, यानी कि रूमिनेट ओवर डेथ, यानी कि डेथ से समझौता नहीं करना हम लोग को। एंड बट ही फील्स दैट इफ फॉर वंस वी डू नॉट फोकस आवर सेल्फ बाय द सिंगल माइंडली टू कीप आवर लाइफ मूविंग, बट डू
but do something introspection and spend some life in the silence doing nothing we understand ourselves better and escape from the threatening and cast करेक्ट अपने लाइफ के बारे में देखने के लिए हम लोग कुछ नहीं भी देखेंगे लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे टू कीप लाइफ मूविंग बट नो डूम्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन केवल इंट्रोस्पेक्शन वगैरह करना है तो इससे क्या होगा ना कि साइलेंस बना रहेगा और हम लोग बात को लाइफ को सब समझ सकेंगे एंड बी एस्केप फ्रॉम द थ्रेटिंग यही यहाँ पर सेंस निकल रहा है एंड लास्ट में क्या बोलते हैं अर्थ अर्थ कैन टीच अस अर्थ हम लोग को पढ़ा सकता है लेसन हाउ द एवरी थिंग्स कम टू बी इट कैसे सपोर्टेट हो रहा है एंड कम्स आउट अगेन कैसे पृथ्वी हम लोग सिखा रहा है कि पतझड़ में सब पता झड़ जाता है फिर बाद में आता है वही दिखा रहा है एंड द सेम मैनर द क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन ब्रिंग्स आउट द क्या इविल थॉट्स and in bringing the quiet life of the peaceful and transcendental dega and now the poet will count up to 12 and they should skip keep quiet and will go away bas yahi boli ki keeping quiet yani ki quiet introspection karne ke liye bol rahe hain quiet introspection karenge to bahut kuch dekhne ko milega chaliye last itna bada bada summary de diya na story mein chhota chhota tha poem pura bada bada de diya chaliye road side stand dekh lete hain robert frost ke dwara a road side stand chaliye recall ho raha upar upar na kafi road side stand by the robert frost is concerned with human ट्रेटजी एंड फियर मानव का जो ट्रेटजी यानी ट्रेटजी करने तो क्या जो हम लोग के साथ जो दुख भरा जो घटना हो जाता है उसके बारे में एंड डर के बारे में बात किए हैं द फोकस ऑन द रूरल अर्बन डिवाइन डिवाइड दोनों जो बट गया है गांव के अलग शहर के उसके फोकस किए फोकस करते हैं एंड प्रेजेंट द लाइफ ऑफ किए हैं प्रेजेंट द लाइफ ऑफ पुअर डिप्राइव पीपल के बारे में उसको दिखाया है एंड पीटलेस क्लैरिटी के साथ मतलब बिना कोई उन लोग पीटलेस क्लियरिटी मतलब क्लियर बताया बिना कोई निर्दय भाव से दिखाया यानी कि दया करते कुछ नहीं बताते वैसा नहीं सब कुछ क्लियर बताया एंड विथ ए डीपेस्ट सैम्पथी एंड ह्यूमनिटी को दिखाते हुए सब कुछ बताया उसके बारे में किसके बारे में पुअर पीपल डिप्राइव पीपल के बारे में गांव के लोगों के बारे में एंड डिवेलर्स ऑफ द लिटिल हाउस बाय द रोड साइड पुट ए लिटिल शेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउस एज दे वांटेड टू अर्न लिटिल एक्स्ट्रा मनी बट नॉट फॉर द मेकिंग देयर लिविंग बात को समझ रहे हैं देखिए जो डिवेलर हैं कहाँ के डिवेलर ऑफ द लिटिल हाउस बाय द रोड साइड रोड साइड जो निवासी हैं छोटे घर के पुट ए लिटिल सेड एक छोटा सा दुकान लगा दिए इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउस घर के बाहर में एज दे वांटेड टू अर्न मनी जैसे कि उन लोग कुछ पैसा कमाना चाहता है एक्स्ट्रा मनी बट नॉट फॉर मेकिंग लाइफ लिविंग ये नहीं कि उस पैसा से पूरा जीवन को जिए इसके लिए बस कुछ ही पैसा चाहता है लिटिल पैसा चाहता है पूरा पैसा नहीं चाहता है कि हम लोग को पूरा बड़ा बन जाना है अच्छे से लाइफ को जी नहीं सिर्फ लिटिल मनी चाहता है बट नॉट फॉर मेकिंग देयर लाइफ्स जीवन बनाने के लिए नहीं बस थोड़ा सा पैसा चाहिए जीवन जी सके ठीक है द रूरल पीपल विश टू फील सम रियल मनी दैट सपोर्ट टू कॉमर्स देयर सिटी वे उन लोग क्या विश टू फील द सम रियल मनी के पैसा को चाह रहे हैं कि मिल जाए हम लोग को सपोर्ट द कॉमर्स ऑफ द सिटी जो कि सिटी के व्यापार को सपोर्ट करता है तो हम लोग के पास भी कुछ पैसा आ जाए ठीक एज द शेड वॉज पेंटेड आर्टलेस उन लोगों का जो शेड है दुकान है कैसा पेंट किया गया था आर्टलेस कोई आर्ट मतलब क्लियर नहीं था एंड स्टूड आउट विच मेड क्या पासर्स बाय इरिटेट वैसा बनाया है कि जहाँ से कोई पासर्स पार होता है तो उन लोग को इरिटेट कर देता है एट हैविंग द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप स्पॉइल्ड लैंडस्केप की सुंदरता है उसको बर्बाद कर दिया गया है उन लोग ऐसा पेंट बनाया है जिससे उन लोग इरिटेट हो जाता है कोई वहाँ से गुजरता है ठीक है द ट्रैफिक फॉलोविड क्या है केसलेसली एंड क्या सीजलेसली लापरवाह तरीके से ट्रैफिक को फॉलो किया गया है एंड इफ इवर देन स्टॉप और कोई वहाँ पर रुकता भी है दे फेल्ट आउट क्या सोर्स ऑफ सिंग वो भी गुस्सा हो जाता है सिंग एन एंड एस रिटन एज द मिरर इमेज एन ओ एस उल्टा वहाँ पर रहता है तो इसीलिए उन लोग भी गुस्सा हो जाता है द स्टैंड सोल्ड विल्ड बेरी एंड क्या है गोल्डन स्क्वेस फॉर देखिए भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि दुकान में क्या बेचा जा रहा था विल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वेस ठीक है ना फॉर सेल द ऑनर ऑफ द शेड फेल्ट अक्रॉस वेन द नो बडी वॉन्टेड टू बाई एनीथिंग ऑनर ऑफ द शेड फेल्ट अक्रॉस उन लोग मतलब थोड़ा सा गुस्सा निराश महसूस करता है कब नो बडी वॉन्टेड टू बाई एनीथिंग कोई भी कोई सामान लेना नहीं चाहता है तब ठीक नहीं चाहता था तो उन लोग गुस्सा हो जाता था एंड द पोएट फील्स पोएट ऐसा महसूस करते हैं दैट द इम्प्लीकेशन ऑफ द अनस्टेटेड जो कि बिना बोले होता है ना फैक्ट एंड मोर पैथेटिक ये बताता है कि द पोएट फील द इम्प्लीकेशन ऑफ अनस्टेटेड फैक्ट एंड मोर पैथेटिक इन लोग का मतलब दुख दर्द काफ़ी दयनीय हो गया था ऐसा महसूस करते हैं जो कि कोई कह नहीं सकता है अनस्टेटेड है ठीक है तो गवर्नमेंट अनाउंस द स्कीम टू एल्यूर ठीक है ना एल्यूर में क्या होता है लुभाना ठीक है एल्यूर द सर्च पीपल एंड हाउस देम इन बिल्डिंग सरकार भी इन लोगों को क्या केवल लुभाती है कि बिल्डिंग बनाएंगे घर बनाएंगे ठीक है इन द विलेज गाँव में एंड देट आर नियर टू देयर थिएटर थिएटर के नज़दीक बना देंगे एंड स्टोर के नज़दीक में आपको घर बनाया जाएगा लेकिन ये सब केवल लुभाने के लिए ठीक ना टू रीप द बेनिफिट्स फॉर देयर ऑन सेल्फिश नीड्स केवल अपने नीड्स के लिए इन लोग केवल लुभा देता कैसे करेंगे वैसे करेंगे और साथ ही साथ द सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन इन्फॉर्म देयर डिसीजन बाय एलोरिंग देम बाय डिस्ट्रॉइंग देयर एबिलिटी टू अर्न
या लिविंग, उन लोगों को क्षमता को डिस्ट्रॉय करके उन लोगों को भी लुभा देता है कि क्या करेंगे, कौन लुभाता है, वही सोशल वर्कर पॉलिटिशियन वगैरह, ठीक है ना। एंड थर्स अप स्ट्रिपिंग देम ऑफ ऑल डिग्निटी एंड देयर वॉइस को सब बर्बाद करता है, समाप्त कर देता है, उन लोग को लुभा कर। द पोएट इज ओवरकम विद द पेन एट द थॉट ऑफ द पीपल वेटिंग फॉर द वेन एंड व्हीकल्स। द पोएट इज ओवरकम, पोएट समाप्त करता है क्या, विद द पेन, एक दर्द के साथ, थॉट ऑफ पीपल वेटिंग फॉर इन वेन फॉर व्हीकल्स, वैसा दर्द के साथ जो कि उन लोग क्या करता है, वेटिंग इन वेन, वेन उनका बेकार जाता है, सब व्हीकल के लिए इंतजार करते हैं तो सब बेकार जा रहा है। एंड इफ कोई वहाँ नहीं रुकता था तो उन लोग सब बेकार जाता था, ठीक है। एंड इफ द एवरी इवर एनी व्हीकल स्टॉपर, कोई वहाँ पर रुक भी जाता था, कोई स्टॉप करता था तो क्या होता था, किसे इट विल बी आस्क फॉर डायरेक्शन, केवल पूछा जाएगा कि डायरेक्शन पूछता था उन लोग। एंड यू टर्न और टर्न लेकर टेक यू टर्न एंड रिक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ टू आस्क दे सेल गैसेस, और गैसेस वगैरह बेचते हैं कि नहीं, प्राइस वगैरह के बारे में पूछा था, कोई भी सामान को नहीं खरीदता था, वही बोला। बट द कंट्री पीपल हैव इवर फेल्ट एक्स्ट्रा मनी इन द हैंड्स एंड दे कंप्लेन अबाउट इट, और जो कंट्री यानी गाँव के जो लोग हैंव नेवर फेल्ड, कभी भी उन लोग विश्वास नहीं किया एक्स्ट्रा मनी के लिए इन्हें हैंड पर मिले, एंड दे कंप्लेन अबाउट, पैसा के लिए उन लोग कंप्लेन करता है। द पोएट वंडर्स इफ इट वुडंट बी बेटर, अगर यह इन लोग को जल्दी से सही नहीं होता है, इफ दे वेयर पुट आउट देयर क्या है एगुनी एट वन स्ट्रोक में, जब तक खत्म नहीं किया जाएगा एक ही झटका में इन लोग का दुख दर्द। बट देन वंडर्स इफ द समवन ऑफर्स देम ऑफर द सम सोल्यूशन ऑफ हिज पेन, कोई भी इन लोग को सोल्यूशन अगर दे दे तो चिंताएं खत्म हो जाएगी। एंड ही वुड फील, वो ऐसा महसूस करते हैं कि जल्दी से इन लोग को कोई दुख दर्द खत्म करे। एंड किलिंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने कि मृत्यु कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, इन लोग का दुख दर्द खत्म किया जाए। तो वह पिटफुल लोगों का गरीबी के कंडीशन को दिखाया गया, तो ये बहुत डिटेल में आपका ये भी समरी हो गया। चलिए लास्ट में अर्न जेनिफर टाइगर थे, इसको भी देख लेते हैं और सभी सब रिकॉल होगा, समाप्त हो जाएगा, आपका छोटा है। देखिए अर्न जेनिफर टाइगर रिटन बाय हेनरी ने रिक रिच, ठीक है ना, रिक होता है रिक, हेनरी ने रिक। द पोएट इज ए फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट में क्या स्त्रीवाद महिलावाद के बारे में, ठीक है ना, महिलावाद। एंड सी एड्रेस द डिफिकल्टी ऑफ मैरिड वुमेन के एड्रेस की है, मतलब बताई है कि कैसे उन लोग का डिफिकल्टी होता है कि शादीशुदा औरत के बारे में। एंड सी स्पेंड द गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन द एम्ब्रॉयडरिंग पैनल ऑफ द टाइगर्स एंड प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन, और सी स्पेंड द गुड अमाउंट ऑफ टाइम, अच्छे समय बिताती है कहाँ पर, एम्ब्रॉयडरिंग द पैनल ऑफ टाइगर्स को चित्र बनाते हुए, प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन पे उछल कूद रहा है तो उस चित्र को बनाते हुए ज़्यादा टाइम को बिता रही है, कौन, वही जो लड़की के बारे में बात हो रहा है, ठीक है क्या, एंड, ठीक है, एंड जेनिफर। एंड द टाइगर आर, टाइगर्स आर द फियरलेस, देखिए टाइगर्स क्या है, फियरलेस है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम बनेगा फियरलेस, जी नहीं, एक वर्ड था वहाँ पर क्या, चिवेलरिक डालना है, फियरलेस भी चिवेलरिक। क्रिएटिंग ए प्रांसिंग इगेलेंस, भव्यता को दिखा रहा है पूरा, मैजेस्टिक गुणता को दिखा रहा है पूरा, क्रिएट टाइगर जो है ना पूरा भव्य दिखा रहा है। एंड सेमराइन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को दिखा रहा है, ठीक है ना। एंड अंट इज अ विक्टिम ऑफ द मेल चोविनिज्म, यानी कि मेल डोमिनेशन के शिकार है, दोषी है, ठीक है। एंड अंट जेनिफर इज ए ऑपरेस्ड एंड कैटेरिफाइड डैट सी फाइंड इट हार्ड टू पुल ए नीडल, इतना ऑपरेस्ड है, सताई हुई है, डरी हुई है, जो कि फाइंड इट हार्ड टू पुल द नीडल, नीडल को अंदर पुल करने में, जैसे कि जो कपड़ा सी रही थी, बना रही थी, तो उसको पुल करने में उसको दिक्कत होता है, ठीक है, हार्ड महसूस करती है। एंड द वेट ऑफ द अंकल वेडिंग बैंड्स एक्सप्रेस हाउ विक्टिमाइज एंड ओपरेस सी इज, और वेट ऑफ अंगस वेडिंग बैंड, शादी में जो बैंड मिला है तो काफ़ी उसका वजन है, एंड एक्सप्रेसेस हाउ द विक्टिमाइज एंड ओपरेस्ड, वो दिखा रहे हैं कैसे वह विक्टिम है, दोषी है, एंड ओपरेस्ड है, सताई हुई है। एंड इट इज इम्प्लाइड दैट अर्न्ड जेनिफर हैज़ टू वर्क हार्ड टू मीट हिज एक्सपेक्टेशन, उसके कुछ लालसा वगैरह को प्राप्त करने के लिए उसे हार्ड मेहनत करना होगा, तभी उसको मिल पाएगा, ठीक है ना। एंड सी स्पेंड्स हर इन लाइफ इन ए फियर, बट सी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द पैनल ऑफ द फियरलेस टाइगर्स टू एक्सप्रेस द सीक्रेट्स ऑफ लॉन्गिंग ए लाइफ एंड फ्रीडम एंड कॉन्साइड्स, देखिए सी स्पेंड हर लाइफ इन द फियर, वो अपने सारे के सारा लाइफ किस में व्यतीत की है, डर के साथ, बट सी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन पैनल, पैनल पर जो चित्रण कर रही है, जो कढ़ाई कर रही है, फियरलेस टाइगर के बना रहे चित्र, टू एक्सप्रेस द हर सीक्रेट्स लॉन्गिंग फॉर द लाइफ, वो भी चाह रही है लॉन्गिंग, मैंने कि चाहना, वो भी चाह रही है क्या, सीक्रेट चाहत है जो बता नहीं रही है, फॉर लाइफ फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंट, जो लाइफ हम लोग का आज़ाद हो, कॉन्फिडेंट हो, जैसा चित्र बना रही है तो वैसा चित्र वो भी चाह रही है, ठीक है ना। एंड इवन हर डेथ डज नॉट इन द प्रॉब्लम, मरने के बाद भी उसका प्रॉब्लम समाप्ति नहीं हो पाता है। एंड द टॉर्चर विच मैरिड वोमेन एक्सपीरियंस, जो टॉर्चर वो करती है तो हमेशा रह जाता है, उनकी पत्नी थी तो ऐसे करती थी वैसे करती थी, तो महिला पे क्या अत्याचार होता है उसके बारे में दिखाया गया, आई थिंक और लास्ट ही होगा, तो अब लग रहा है कि लास्ट पोएम होगी, 30 मिनट का अप्रोक्स बना, सारे पोएम को रिकॉल कर दिए। आप इस PDF डाउनलोड नहीं होता यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, तो डाउनलोड होता है सबको हम सेंड कर देते, भेज देते हैं, यहाँ पर सीक्रेट रहता है, ठीक है।
तो और कोई दिक्कत शाम तक आपका क्या क्या करेंगे, शाम तक आपका क्या नाम है उसका जो प्रोज सेक्शन है तो उसका भी डालने का कोशिश करेंगे, जल्दी से खत्म कर देंगे, और टाइम मिलेगा तो जो ग्रामर सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, तो उसका भी डालने का कोशिश करेंगे, दोनों को सभी को खत्म करेंगे। ठीक है, एक सोचे थे टेस्ट लेने के लिए, टाइम बचेगा तो टेस्ट ले लेंगे ओवरऑल, नहीं तो टेस्ट नहीं लेंगे, सारे को रिविजन करके जाइए, नोट्स पढ़ कर जाइए, आपका एग्जाम में बेस्ट होगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे लास्ट रिविजन, आपका मॉडल सेट करा देंगे, फाइनल रिविजन, और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।